हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते हो और आप इसे डेस्कटॉप पे लाना चाहते हो कुछ इस तरीके से, चाहे कोई सा भी फ़ोटोशॉप हो, 7.0 या CS6, तो कैसे ला सकते हो, एक शॉर्टकट कैसे बना सकते हो ताकि जल्दी से आप इसे ओपन कर सको, जल्दी आपको सेटिंग में ना जाना पड़े, विंडो में ना जाना पड़े, तो कैसे करना है आइए जानते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं और आप दोनों ही तरीके ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहां पे सबसे पहला तरीका है, आपको अपने दिस पीसी या माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। यहां पे आपको मिलेगा लॉक डिस्क सी, यानी लोकल डिस्क सी, अपनी सी वाली ड्राइव ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा अडोब, देख लीजिए, इस पर क्लिक करें, आपका फ़ोटोशॉप यहाँ पे आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोटोशॉप। आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट्स, इस पर क्लिक करें और यस कर दीजिए, आपका फ़ोटोशॉप यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो दूसरा तरीका ट्राई करें, आपको विंडो बटन प्रेस करना है, फ़ोटोशॉप सर्च करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका फ़ोटोशॉप आ जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आइए और पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपका फ़ोटोशॉप आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप ट्राई कर सकते हैं और दोनों ही तरीके काम कर जाते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।